guys take no kabel ba? Yes, sige, tag line. Hello, mga kabeling mo. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पर हमें बहुत ही रश देखने को मिल रहा है। ईद की आमद आमद है और जो है लोग ईद की तैयारियों करते हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, तो ईद की तैयारियाँ कहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद तैमूर के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। यहाँ बहुत ही रश देखने को मिल रहा है। ईद की आमद आमद है और ईद की तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर पर हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ईद के हवाले से इन्होंने कितनी तैयारियाँ करनी है और कितनी रह गई हैं। तो ईद जो है करीब आने को है, तो कितनी तैयारियाँ आपकी हो गई हैं और कितनी आप चांद रात तक छोड़ेंगे? हम लोग भी आज बस मेट्रो से एक तो कपड़े मैच करने आए थे और साथ में शूज़ वगैरह देखने आए हैं। और ज्वेलरी जो है वो तो लेडीज़ की फेवरेट होती है और चूड़ियाँ वगैरह, तो इस हवाले से आपने अपनी ड्रेस के साथ अपनी चूड़ियाँ और जो ज्वेलरी है वो मैच कर लिया कि अभी? बिल्कुल चांद रात से एक रात पहले करेंगे। हाँ जी, ऐसा ही है कि बाकी सारे जो है लोग चांद रात पे ही अपनी ज्वेलरी मैच करते हैं। तो आपने जो कपड़े हैं वो अभी सिलवा लिए हैं क्या? सिलवा मैंने सिलवा भी लिए और मेट्रो से भी दूसरे तीसरे दिन के लिए ले लिए। हाँ जी, तीन चार दिन रह गए हैं तो वो रेडीमेड ही मिलेंगे इस वक्त, तो दर्जी भी कोई कपड़े नहीं पकड़ते। हाँ जी, तो थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद अशरफ नाम है जी मेरा। जी, तो मोहम्मद अशरफ साहब, आपकी ईद की तैयारियाँ हो गई हैं? देखिए जी, ईद तो जो है ना बच्चों की होती है, बच्चों ने तैयारियाँ कर ली हैं अपनी, बच्चे खूब शॉपिंग कर रहे हैं और डेली इनका प्लान होता है शाम को मार्केट निकलने का कि आज हमने एक सूट और लेना है, कहीं से ज्वेलरी लेनी है, कहीं से शूज लेने हैं, तो इस तरह डेली हम लोग मार्केट आ रहे हैं। तो आपने अपनी ईद की तैयारियां कोई भी नहीं की? हाँ जी, की हैं बिल्कुल। हमने भी, हमारा यही होता है कि एक टेलर से सूट हमने जो ना लिया, बस वो हमने स्टिच अभी मेरे ख्याल कल रात को वो देगा हमें स्टिच के लिए दिया हुआ, ताकि बच्चे रोज ही शॉपिंग कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, तो ईद पे बच्चों का जो जोरों शोर है वो ज़्यादा होता है, इनकी तैयारियाँ वगैरह जो है उनकी माएँ करवाती हैं। तो हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, इनसे इससे बात करते हैं कि इसने आज अभी तक क्या क्या खरीदा है। जी, तो बेटा क्या नाम है आपका? मीरा। तो मेरा बेटा, आपने क्या क्या खरीदा अभी तक? तो अभी हमने चूड़ियाँ ली हैं, कपड़े वगैरह, जूतियाँ वगैरह, बहुत मज़ा आ रहा है इनकी शॉपिंग करने का। जी, तो बच्ची तो बात नहीं कर रही, इनकी वालदा से पूछ लेते हैं कि इसने क्या क्या अभी तक खरीदा। हमने चूड़ियाँ वगैरह बच्चों की खरीदी हैं, वो फोनिए वगैरह, कपड़े वगैरह, महंगाई इतनी है कि क्या क्या इंसान करे। फिर हमने तो बच्चों की चीज़ें वगैरह ली हैं। तो आपकी शॉपिंग जो है वो पूरी हो गई है कि अभी कुछ रह गई है? जाहिर अभी ईद का माहौल है तो हम इतनी शॉपिंग कर रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा घर बैठने का। अफ्तारी करते हैं तो बाहर होती है हमारी अफ्तारी। ये तो बच्ची की जो चीज़ें हैं ईद की वो पूरी हो गई, बच्चों को तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनके सूट, इनकी बहुत ज़्यादा हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह और बच्चों की चीज़ें। तो ज्वेलरी जो है वो आपने मैच कर लिया है चूड़ियाँ वगैरह अपने सूट के साथ? वगैरह भी हम शॉपिंग करने आए हैं बच्चों की, बहुत मज़ा आ रहा है। बस गर्मी का ये है कि गर्मी में दोपहर को निकला नहीं जाता, शाम को हम निकलते हैं, बहुत मज़ा है कपड़े वगैरह, जूतियाँ, ज्वेलरी वगैरह लेने का। जी, तो हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची और मौजूद है, इससे बात करते हैं कि इसने क्या क्या चीज़ें खरीदी। तो जी, तो बेटा क्या नाम है आपका? अरीबा। आपने क्या क्या अपने कपड़े वगैरह खरीदी हैं? जी, तो आपने कपड़े वगैरह खरीद लिए आपने? जी, तो कपड़े वगैरह खरीद लिए आपने और चूड़ियाँ वगैरह? क्या मम्मा सारी चीज़ें लेके दे रही हैं या मम्मा कह रही हैं कि ये महंगी है ये रहने दो? लेके दे रही हैं। सब कुछ खरीद लिया आपने, ईद की सारी तैयारी कर ली है? मेहंदी लगाती हैं आप? मेहंदी नहीं लगाती हैं आप? बच्चियाँ तो बड़े शौक से मेहंदी लगवाती हैं आप। मैं खुद लगाती हूँ तो हम घर में खुद लगाते हैं। अच्छा, तो इनकी मम्मा का कहना था कि मेहंदी अपनी मम्मा से लगवाती हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो सामने को भाई क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद रबी। मोहम्मद रबी साहब, आपने कपड़े वगैरह खरीद लिए हैं या अभी? ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपको पता है फैस सच फैमिली के साथ रोज़ बाजार आना, डेली बेसिस पे बाज़ार आए, उनकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती, प्लस जो भी आ जाए तो उस वक्त तक भी कंप्लीट नहीं होती है। तो ईद का सूट टेलर ने वापस कर दिया कि अभी तक खाने पड़े? मैं रेडीमेड लेता हूँ, मैं टेलर से मतलब आप सिलवाते नहीं, तो रेडीमेड सूट लेते हैं तो ले लिया हुआ। और ईद की तैयारियाँ वगैरह कैसी चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही हैं, मतलब कि रमज़ान गुजर रहा है,
उसका ज्यादा दुख इस चीज का है कि मतलब कि पता नहीं चला कि अभी रमजान खत्म भी हो गया बस कुछ ही रोजे रह गए गिनती के दो चार रोजे रह गए ईद आ गई जी बहुत शुक्रिया जी भाई आपने ईद की जीत भाई आपने ईद की शॉपिंग कर ली हाँ जी मैंने ईद की शॉपिंग कर ली सारी कंप्लीट हो गई बाकी फैमिली आई अंदर से जूते ले रहे हैं अच्छा फैमिली के साथ आ गए खुद की तैयारी तो एक सूट होता है ईद का हाँ जी हम मर्दों की कोई तैयारी नहीं होती बस एक ही सूट होता है लेडीज जो है वो पहले रोज से लेकर रात चांद रात तक फिरती रहती है तभी लेडीज के साथ इनकी शॉपिंग पूरी नहीं हुई नहीं हुई होने भी नहीं है इंशाल्लाह इनकी ज्वेलरी वगैरह और इनकी चूड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं वो डेली नया डिजाइन आता है तो डेली कहते हैं ये पसंद आ गया इस तरह से फिर वो तारीख के बाद रोज फैमिली के साथ आ रहे हैं उनकी शॉपिंग के लिए ऐसा एक दिन अगर ईद आ जाएगी वो कम्प्लीट भी हो जाएंगे जी बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू बड़े तो बड़े यहाँ पे बच्चे भी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे एक बड़ा क्यूट सा बच्चा हमें देखने को मिला है ये भी शॉपिंग पे आए हैं इनकी मदद से पूछते हैं कि इसकी शॉपिंग होगी जी जी तो बेबी की शॉपिंग होगी नहीं अभी हम आए हैं कुछ देर हुई है तो अब हम करेंगे शॉपिंग अभी आप आए हैं शॉपिंग तो तो इस साल महंगाई ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है या नॉर्मली मुझे तो नहीं मिल रही बिल्कुल भी नहीं मिल रही मुझे तो मज़ा आ रहा है अच्छा है अगर थोड़ी सी महंगाई हो गई है तो अच्छा इनका कह रहा था कि महंगाई हो गई है बाकी आवाम कह रही थी कि महंगाई जो है वो ज़्यादा हो गई है तो इनको कह रहे थे कि फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई ज़्यादा हो गई है बल्कि इनको इन्जॉय कर रही है ज़्यादा महंगाई को जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ एक बड़ा क्यूट सा बच्चा मौजूद है इससे पूछते हैं कि इसकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है जी बेटा क्या नाम है आपका मेरा अब्दुल्ला फारूक आपने ईद की शॉपिंग कर ली है क्या क्या खरीदा आपने क्या खरीदा क्रीम का ड्रेस खरीदा तो पेंट शर्ट पहनोगे आप या कमीज सलवार पहनोगे सलवार कमीज पहनोगे ईद की नमाज पढ़ने जाते हो ईद की नमाज पढ़ने ईदी मिलती है कौन कौन देता है पापा देते हैं मम्मा देती हैं पापा भी देती हैं तो आपने सारी चीज़ें खरीद ली हैं शूज़ भी खरीद लिए हैं चलो सही है बहुत बहुत शुक्रिया ये तुम्हारे साथ एक और बच्चा मौजूद है इससे बात करते हैं जी तो बेटा आपने शॉपिंग कर ली है इसकी क्या क्या खरीदा आपने पैंट शर्ट खरीदिया बूट खरीदे ऐनक खरीदिया ईद की नमाज पढ़ने जाते हो अच्छा कमीज सलवार पहनते हो तो ईदी मिलती है ईदी मिलती कौन कौन देता है अच्छा तो बहुत सारी ईदी इकट्ठी हो जाती है जी तो बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तैमूर के साथ इस वक्त हम मौजूद है लिबर्टी मार्केट में ईद की आमद है तो ईद की तैयारियां भी जोरों शोर पर हैं लोग बहुत अफ्तारी के बाद जो मौसम जो है ठंडा हो जाता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा मकदार में जो है वो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं बहुत ही गहमा गहमी मिल रही है यहाँ पे बहुत ही रश है दुकान पर बहुत रश है तो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं ईद के हवाले से उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है तो ऐसे ही लोगों से बात करते हैं बात करते हैं क्या बात
के बारे से कुछ भी शॉपिंग क्या कहने चाहिए कुछ भी जो बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करी हाँ जी तो ईद के वाले से आपकी शॉपिंग कितनी रह गई यार एक्चुअली आज ही हम निकले हैं ईद के वाले शॉपिंग के लिए बहुत मजा आ रहा है अभी तो हमने स्टार्ट किया हमने स्टार्ट किया और आज मुझे लगता है रात यहीं पे गुजरने वाली है हमारी ईद की शॉपिंग तो ईद की शॉपिंग में गॉगल्स भी शामिल है बिल्कुल ये तो मस्त है इतनी गर्मी है सबको लेनी चाहिए लाहौर में गर्मी सबको लेनी चाहिए अच्छा तो क्या गिफ्ट भी खरीदे हैं किसी के लिए आपने बिल्कुल ऑब्वियसली इस्लामाबाद में हमारे रहते हैं फ्रेंड्स रहते हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट खरीदने आए हुए हैं तो ईद पे इस्लामाबाद जाने का प्लान है ऑफ कोर्स नॉर्दर्न एरियाज में चेतन वो कह रहे नहीं बात कर जी तो जैसे जैसे जी तो जैसे 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 अफ्तार का वक्त गुजरता जा रहा है रश ज़्यादा होता जा रहा है तो लोगों से ईद के हवाले से बातचीत करेंगे उनसे पूछेंगे कि उनकी तैयारियाँ कितनी हो गई हैं कितनी रह गई हैं और तो लोग चलते हैं लोगों से बातचीत करते हैं जी तो अफ्तारी के बाद लोगों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है ईद करीब है तो लोग शॉपिंग भी ज़ोरों शोर पर है तो यहाँ पर हमें बहुत ही रश देखने को मिल रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रश ज़्यादा होता जा रहा है तो लोग ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और कोई कपड़े खरीद रहा है कोई जूते खरीद रहा है कोई बच्चों की शॉपिंग कोई दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद रहा है तो यहाँ पे सब अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है कोई जो है सब अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है और इस वक्त हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं ईद के हवाले से उनकी क्या मसरूफियात हैं जी तो हमारे साथ बड़े क्यूट क्यूट तीन बच्चे मौजूद हैं इनसे बात करते हैं कि उन्होंने ईद के हवाले से क्या क्या शॉपिंग की है तो जी बेटा क्या नाम है आपका हवा जी तो हवा आपने क्या शॉपिंग किया ईद की मोहम्मद साद तो साथ आपने क्या शॉपिंग किया ईद की क्या क्या खरीदा आपने शूज लिए हैं आपने और मम्मा ने सारे शॉपिंग करवा दी है ईदी की अभी आपकी रहती है ईदी मिलती है आपको ईदी में किससे मिलती है मम्मा देती हैं पापा अच्छा आप आ जाओ आपसे बात इधर आपने ईद की शॉपिंग कर ली है नाम क्या आपका पहले तामिया तो तामिया आपने शॉपिंग कर लिया ईद की क्या क्या खरीदा आपने कपड़े ले लिए मम्मा ने कपड़े ले दिए ईद के क्लॉथ्स ले लिए आप क्या क्या लिया आपने ज्वेलरी ली है मेहंदी लगाती हैं आप ज्वेलरी वगैरह कुछ लिया आप आज क्या नाम है आपका माहीन तो माहीन आपने क्या क्या खरीदा है मेरे पापा ने मुझे ईद का ड्रेस लेके दिया और मामा ने मुझे मामा ने क्या लेके दिया मामा ने बैग लेके दिया बहुत कुछ लेके दिया और बहुत कुछ लेके शूज ले लिए आपने ले लिए ड्रेस किस कलर का लिया आपने रेड और ज्वेलरी ले ली इसके साथ मैच कर लिया ज्वेलरी चूड़ियाँ पहनते हैं आप अच्छा तो चूड़ियाँ मैच कर लिया ड्रेस के साथ तो क्योंकि कोई कुछ तैयारियाँ रह गई हैं कि बस आपकी ईद की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं जी तो बच्चों की तो ईद की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं उनकी वालदा से बात करते हैं अच्छा बच्चे ने पॉइंट सुनानी है तो इससे पॉइंट सुन लेते हैं जी तो सुनाए एक्शन करके दिखाओ पॉइंट सुनाओ ना एक्शन करके जैसे स्कूल में एक्शन करके पॉइंट सुनाते हैं वैसे सुनाओ जी तो बच्चे ने बड़ी अच्छी पोइम सुनाई बड़ी इंग्लिश पोइम थी हमें तो कभी पढ़ाई नहीं गई तो बड़ी अच्छी इसके लिए एप्रिसिएशन तो बन गया तो तालियां इसके लिए आप भी क्लैप करो इतनी अच्छी जी तो उनकी वालदा से बात करते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदा बच्चों की ईद की शॉपिंग तो डे फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है पूरा रमज़ान बच्चों की ईद की शॉपिंग ही चलती रहती है इनके ड्रेसेस वगैरह लिए हैं और कुछ लास्ट के डेज में शूज़ वगैरह रह जाते हैं ज्वेलरी रह जाती है मैचिंग और छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं आप अपनी शॉपिंग कर ली है कि अभी सिर्फ बच्चों की शॉपिंग कर ली मैंने अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट कर ली हुई है बस शूज़ वगैरह रह गए थे तो वो हमारा लास्ट राउंड है और कुछ कटिंग वगैरह कराई है हमने बच्चों की तो ज्वेलरी वगैरह मैच कर ली है बच्चों की ज्वेलरी और ज्वेलरी वगैरह हमने सारी मैच कर ली है बहुत शुक्रिया जी तो इनका कहना था कि बच्चों की तो शॉपिंग पूरी हो गई है और इनकी भी शॉपिंग पूरी हो गई है तो थोड़ी बहुत रह गई है वो आज ही कवर कर लेंगे तो यहाँ हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है इससे बात करते हैं
जी तो चूड़ियों के बगैर तो ईद की शॉपिंग जो है लेडीज़ की बहुत अधूरी है, क्योंकि चूड़ियाँ ना जो है सूट के साथ चूड़ियाँ मैच करके तो लाजमी पहननी होती है। तो यहाँ पे हमारे एक शॉपकीपर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की चूड़ियाँ सर ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, मेटालिक के ग्लास की? मेटालिक हो रही है, दफा ग्लास की जो डिमांड है ना वो दफा नहायत कम है। इस दफा ग्लास की डिमांड नहीं है, मेटालिक चूड़ियाँ जो नहीं आई हैं? नई चूड़ियाँ आई हैं, मेटल की आई हैं। इसमें कोई गोटा लगा हुआ है, किसी के ऊपर टिल्ला लगा हुआ है, किसी के ऊपर इस तरह के ये स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। इस तरह की जो चूड़ियाँ ना बहुत ज्यादा सेल हो रही हैं। तो अभी ज्यादा बिकना शुरू हो गए हैं कि अभी स्टार्ट है? अभी स्टार्ट हुआ है, अब जो ये दिन आ गए ना, दो तीन दिन जो रह गए हैं वो सिर्फ इन्हीं कामों के रह गए। लोगों ने जूतियाँ कपड़े वगैरह खरीद लिए, अब ज्वेलरी चूड़ियाँ वगैरह के है हमारे। जी तो इनके कहना था कि जो लोगों ने कपड़े तो खरीद लिए हैं, अब चूड़ियाँ मैच करने के दिन है, तो एक दो दिन जो है बाद लोग चूड़ियाँ मैच करेंगे। और इस तरह की चूड़ियाँ जो मेटालिक चूड़ियाँ नहीं आई हैं ये ज्यादा प्रॉफिट होने हो रही हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो जो चूड़ियाँ हैं ये नए ट्रेंड आया है ये वाली ज़्यादा फ्रॉक तो नहीं है, जो ग्लास की चूड़ियाँ वो इस साल इतना डिमांड नहीं की जा रही उसकी। तो जी तो बाकी लोगों से बात करेंगे वो किस तरह की चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। जी तो हमारे साथ यहाँ एक फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं इसके हवाले से उनकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, नाम क्या? ताहिर मलिक। ताहिर, आपका नाम? ज़ियान ताहिर। मुस्कान मलिक। एमन मलिक। जी तो आपकी तैयारियाँ जो है ईद करीब आ गई है, तो आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? अलहमदिल्ला आज आपके सामने ही है, सारा कुछ ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चांद रात तक कम्प्लीट हो जाएगी। सर आपकी चांद रात तक तैयारियाँ जाएंगी? चांद रात तक तो बच्चे आपको पता है कि छोड़ते नहीं है, बस रोजाना कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, दोबारा फिर आना पड़ता है। आपने अपनी तैयारियाँ करनी है ईद की? तो हमारी तैयारियाँ तो हुई हुई हैं, आपको पता है आजकल तो बच्चों की तैयारियाँ बस इसी सिलसिले में लगे रहते हैं। अपना सूट सिलवा लिया आपने? अलहमदिल्ला हो गया मेरा। चलो और जो है ईद के, ईद पे क्या प्रोग्राम है आपका, ईद का कैसे ईद की इंजॉयमेंट? ईद इंशाल्लाह ईद पढ़ने के बाद भाइयों से मिलने जाएंगे, फैमिली के साथ गेट टुगेदर होगा। फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीदे आप? हाँ जी, वो जा रहा है सिस्टम अभी तो चलते ही रहेगा, गिफ्ट ले रहे हैं मुख्तलिफ दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। चलो बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, फ्रेम में, सर फ्रेम में रहिएगा, सर फ्रेम में रहिएगा आगे। भाई आपने क्या क्या खरीदा इसके लिए? जी सिंपली कुर्ता शलवार वगैरह। कुर्ता शलवार वगैरह जो है ईद के लिए, बस कुर्ता शलवार की और पैंट शर्ट वगैरह। पैंट शर्ट। तो ईद पे आपकी क्या मसरूफियात आता है, कहाँ दोस्तों के साथ जाएंगे कि फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। जी तो आगे बात कर लेते हैं। जी तो आपने ईद के लिए क्या क्या खरीदा? कोई देख रहे हैं अभी जो पसंद। कपड़े खरीदे आपने? जी। तो उसके साथ ज्वेलरी तो है, वो लेडीज के तो लास्ट में मैच होती है, वो आपने खरीद लिया क्या? अभी खरीदनी है, देख रहे हैं, काफी पसंद भी आ रही है। इस वक्त तो रेडीमेड कपड़े ही फिर आप खरीदेंगे, क्योंकि टेलर से इस वक्त पर... रेडीमेड। तो ज्वेलरी वगैरह जो चूड़ियाँ वगैरह वो आप किस तरह की? चांद रात पे। वो चीज़ आप चांद रात पे। जी तो मैम आप जो है ईद की तैयारियाँ आपकी कहाँ तक? कपड़े वगैरह ले रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह भी साथ साथ चल रही है, चांद रात तक कंप्लीट हो जाएगी। चांद रात तक कंप्लीट हो जाएगी। किस तरह के ड्रेस आप, ट्रेडिशनल ड्रेस के जो वेस्टर्न ड्रेस है वो पहना? वेस्टर्न वगैरह ड्रेस। ईद के फर्स्ट डे भी वेस्टर्न ड्रेस ही, ट्रेडिशनल अपने ड्रेस? ट्रेडिशनल फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे वेस्टर्न वगैरह। जी तो बहुत शुक्रिया। जी तो उनका कहना, फैमिली का कहना था कि जो वेस्टर्न ड्रेसेज हैं वो सेकंड डे पे और ट्रेडिशनल ड्रेस जो है फर्स्ट डे पे खरीदेंगे, और जो तैयारियाँ हैं वो चलती रहेंगी और चांद रात तक जाके शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़ने को। जी तो इस वक्त जो हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे, यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि उनकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची।
See this? जी तो इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे, यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की कि उनकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। लोग काफ़ी लोगों ने तो ईद की तैयारियाँ कर ली हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ईद की तैयारियाँ चांद रात तक चलेंगी। तो इसके हवाले से अब एक मिनट जी। तो राजेन इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे, यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, इनसे पूछा कि इनकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। बहुत से लोगों ने तो ईद की तैयारियाँ कर ली हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ईद की तैयारियाँ चांद रात तक चलेंगी। ज्वेलरी वगैरह जो है वो कपड़ों के साथ जब कपड़े सिलकर आ जाएंगे तब मैच करेंगे। कुछ ने रेडीमेड खरीदे हैं और वो भी कह रहे हैं कि चांद रात तक जो है वो ज्वेलरी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह मैच करेंगे और फिर हम पॉलर्स में जाकर जो है मेहंदी लगवाएंगे और ईद के प्रोग्राम में ईद मनाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जी तो कैमरा मैन दीक्षा के साथ मैं मोहम्मद तैमूर, 99 न्यूज़ लाहौर।